दोस्तों, एसएससी एमटीएस के फॉर्म फिलिंग का क्लोजिंग डेट नजदीक आ चुका है। आज से आपके पास 2-3 दिन ही बचे हैं फॉर्म फिल करने के लिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि एसएससी का जो साइट है, जब भी यहाँ पे डेट फॉर्म का जो आखिरी डेट आता है तब वर्क नहीं करता है। अभी फिर से वही दिक्कत आने लगा है। कुछ लोगों का यहाँ पर से ब्लैंक शो कर रहा है, तो कुछ लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा है एसएससी का साइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मेरे में ब्लैंक तो शो नहीं कर रहा है, बट मैं लॉग इन करूंगा तो मेरा लॉग इन नहीं होगा। तो किस तरीके से आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यहाँ पर से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि 17 तारीख तक आपको, 17 फरवरी तक अंतिम डेट है। और यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि क्या डेट आपका एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। जो आपको पता है कि कई लोग छूट जाते हैं, कई लोगों का वर्क नहीं करता है, तो उसके लिए डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले, अगर आप सभी एसएससी जीडी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मैं इस चैनल पे जो भी नया नया अपडेट आता है गवर्नमेंट एग्जाम का, एसएससी एमटीएस का या फिर किसी का भी, तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो बना देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर से सेट कर देना, और मतलब इससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मैं आपको सबसे पहले तो डेट एक्सटेंड का बताता हूँ कि क्या डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल से मेरा आंसर है, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी में काफी लोग यही इंतजार में थे कि अरे भाई, बहुत लाखों लोगों का नहीं हुआ तो डेट एक्सटेंड होगा, बट नहीं हुआ ना। इसी तरीके से एसएससी एमटीएस में भी बहुत कम चांस है, एसएससी वाले डेट एक्सटेंड नहीं करते फॉर्म फिलिंग का। तो आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं सोच के चलना कि एक्सटेंड हो जाएगा तब कर लेंगे, आपको अभी सही करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पर से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना होगा। आपको यहाँ पर से वेबसाइट जो है आपको रात में विजिट करना होगा, ठीक है? रात में 1 से 2 बजे के बीच में, या फिर सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे, जिस समय कम ट्रैफिक होता है, उस समय अगर आप आते हैं तो आपका आसानी से फॉर्म फिलिंग हो जाएगा। और अगर आपके पास लैपटॉप या फिर पीसी है, डेस्कटॉप है, तो आप ट्राई करें उसमें करने के लिए जिसमें आसानी से हो जाए। अगर मोबाइल है तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल में भी कर सकते हैं, बट अगर लैपटॉप है तो प्रेफर करें कि लैपटॉप में करें। और रात के 1 से 2 बजे, 12-1-2 बजे, इस टाइप से जब ट्रैफिक कम होता है, लोग कम होते हैं वेबसाइट पर, तब अच्छे से ये काम करती है। और मॉर्निंग में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें आप लॉगिन कर लेंगे और तब उस समय आप कर पाएंगे। कई लोगों का तो यहाँ पर से कैप्चा कोड ही नहीं दिख रहा, बट आप सभी को घबराने वाली बात नहीं है। रात को आप करेंगे तो ये सारा प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा। और जो भी नया डिटेल आएगा मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए नए अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।